अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे 12.8। इस टॉपिक का मेन नाम था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, और आज हम इसकी सी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। अच्छा, ये असल में हमसे बात कर रहा है एक कैपेसिटर की। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स हैं, उनके साइड से बात है, ऑपोजिट चार्ज हैं, तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, कुछ यूं करके। ये साइड है जी पॉजिटिव, ठीक है जी, ये साइड है नेगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान में क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये ऐसे ही समझ लो कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी होती हैं? कुछ यूं करके। यूं करके, और इनके दरमियान में क्या है आपके पास? फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने बताना है कि फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, हम इसको चूंकि एप्लीकेशन है, हम यूज़ करना है किसको? अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को, और उसे यूज़ करते हुए हम इसके दरमियान में निकालेंगे। सबसे पहले तो ये मेटल प्लेट्स हैं, हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो मेटल में, उसके अंदर नहीं होता, वो सारे का सारा कहाँ पर होता है? उसकी सरफेस पे। दूसरी चीज़, आपको कहा सर चार्ज इधर क्यों नहीं, इन साइडों पर क्यों नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, तो ये सारा चार्ज उधर अट्रैक्ट हो रहा है, वो सारा चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये अंदर वाली साइड पे चार्ज होगा, आउटर साइड्स पर चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर इन प्लेट्स को मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊँ, कुछ यूं करके, ऐसे करके, तो आप देखोगे मोस्टली चार्ज इनर साइड, जो अंदर वाली साइड है, जो एक दूसरे को फेस कर रही है, वैसे होगा। जैसे इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो ऐसे समझ लो मेटल प्लेट्स हैं, ये और ये, सारे का सारा चार्ज इस साइड पर, सारे का सारा ऑपोजिट चार्ज इस साइड पर, इन साइडों पर चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर फील्ड भी नहीं होगी। अब मैं अपनी सिंपल सिटी के लिए, मुझे पता है कि ये जो फील्ड है वो यूं नहीं बननी, बल्कि फील्ड यहाँ पर भी एग्जिस्ट करनी है इस जगह। तो बुक ने जस्ट ये इनर पोर्शन लिया, तो हम कह लेते हैं कि भाई जो प्लेट्स है वो इनफाइनाइट है, बहुत लामहदूद है, तो हम अंदर वाला हिस्सा ले लेते हैं। अंदर वाला हिस्सा लेंगे ताकि वो हिस्सा कौन सा होगा? महदूद हिस्सा। वो महदूद हिस्से के अंदर हम सिर्फ उसको कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। अब सबसे पहला काम गॉसेस लॉ का जो स्टेप वन है, वो स्टेप वन में क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना है, गॉसियन सरफेस, यानी कि कैसी सरफेस होती है वो? क्लोज सरफेस। ठीक है, आपको याद हो तो सफेयर था, तो उसके अंदर हमने एक और सफेयर कंसिडर किया था। ठीक है, इन्फिनिट शीट वाली की थी तो मैंने एक होलो सिलेंडर सेलेक्ट किया था। अब इधर प्लेट्स को बुक ने कैसे बनाया? बुक ने कहा कि भाई ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, यूं करके, यही प्लेट्स हैं, मैंने बस इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाया, और इनके दरमियान में है फील्ड। बुक ने क्या किया? बुक ने ना इस तरह का आपके सामने एक बॉक्स सा ले लिया। ये असल में ये बॉक्स, ये आपको ये जो आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा है या रेक्टेंगल्स जो नजर आ रही है, ये आपको इधर बोर्ड पे टू डायमेंशन लग रही है, हालांकि ये टू डायमेंशन नहीं है। ये कितने डायमेंशन होगी? ये थ्री डायमेंशन होगी, ये इस तरह बनी होगी, कुछ ये इस तरह का स्क्वायर लिया गया। अब इसका अगर आप इसकी साइड्स देखें तो कितनी साइड है, मैं इधर नंबरिंग भी दे देता हूँ साइड्स की, एक और दो, ये दो नीचे वाली है, दो तीन, उसके बाद ये वाली साइड चार पाँच छः,
टोटल इसकी कितनी साइड्स आ रही हैं, 6 साइड्स आ रही हैं। अब ये देखें, ये आपके पास ये डस्टर है, ये सेम उसी रेक्टेंगल नुमा है, ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड पे आपके पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस नीचे जा रही हैं, ये आपने रखा हुआ है। अब आप देखें तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आपने देखना क्या, अच्छा क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि भाई ये क्यों लिया, सिलेंडर क्यों नहीं लिया। अगर मैं इसके अलावा कोई और चीज़ सेलेक्ट करता तो सबका यहाँ पर क्वाड्रेटरल एंगल ना बनता, यानी कि बिल्कुल 90 या 0 का एंगल ना बनता, क्योंकि वो हमारे लिए आसानी है। कॉस 90 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है। इसके अलावा कोई एंगल बनता तो वो कैलकुलेट करना बनता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस आसानी के लिए हमने ये लिया स्क्वायर। सफेयर भी ले सकता था मैं सफेयर, लेकिन ये देखो सफेयर लेता तो उसका कुछ पोर्शन इधर आता, कुछ वेक्टर्स इधर बनते, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती भाई। ये आ गया। अब आप देखें कि इसकी जो ये वाली साइड है, इसका वेक्टर एरिया नीचे, इसका वेक्टर एरिया इधर है, 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 और इसका वेक्टर एरिया ऊपर है। आप ये देखें जो नीचे वाला, इसका वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस पैरेलल है, उसके अलावा ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 साइडें कितने वेक्टर एरिया पे जा रही हैं। आप कहेंगे सर 90 है, तो हमें पता है कोस 90 पे इन सब का फ्लक्स कितना कितना हो जाएगा, आपको सर 0 क्योंकि फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही ना, सारी फील्ड लाइन ऊपर वाले पे क्या आ जाएगा 180। तो ज़रा इसे भी देख लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस आ गई जी मेरे पास, और इसकी ये कितनी साइड्स बन रही हैं आपके पास, 6। बुक ने अपनी आसानी के लिए कहा कि भाई 4 साइड है, हम बुक की ले लेते हैं भाई, क्योंकि बाकी दो पे भी 0 बनना है, तो इसलिए आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि आपने क्या करना है, स्टेप 2 था कि आपने क्या करना है, आपने हर साइड का सेपरेट फ्लक्स फार्मूले को यूज़ करते हो फ्लक्स निकालना है। तो मैं कर लेता हूँ जी, टोटल फ्लक्स जो है, सॉरी रेड से करते हैं, टोटल फ्लक्स जो है इसको क्या देते हैं, ये 5-1 + 5-2 + 5-3 + 5-4। अगर अब मैं 5-1 लूँ तो ई डॉट ए, इसका एरिया A1 है, ये पूरी एक स्फेयर है ना ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, तो इस साइड का एरिया, ये एरिया और फील्ड लाइंस प्लस इधर ई ए प्लस ई ए प्लस ई ए, 1, 2, 3, 4 यही बनेगा। आप इधर लगाएं तो आप कहोगे सर ई ए, ई वन, ए वन की जगह ना आप जनरल ए कह लें, क्योंकि सारी साइडें सेम वैल्यू की हैं, तो आप इसे ए कह लें और ये आ जाएगा कॉस 1। ये वेक्टर था इसलिए मैंने इनके साथ 1, 2, 3, क्योंकि इसका वेक्टर एरिया इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका, लेकिन नीचे मैं सबकी जगह मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। वजह उसने कहा सर नीचे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड चूंकि स्क्वायर है या क्यूब है, तो क्यूब के अंदर मैं सब सारी साइडों का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सेम। तो ई ए कॉस 0, क्योंकि इसका वेक्टर एरिया नीचे, फील्ड लाइंस नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस 0। बट भाई इस साइड का बनेगा ई ए कॉस 90, इधर बनेगा ई ए कॉस 180, और इधर बनेगा ई ए कॉस 90। बुक ने अलग अलग किया, मैं कंबाइन कर रहा हूँ। अब इस साइड का वेक्टर एरिया इधर है, फील्ड लाइंस नीचे है, इस साइड का वेक्टर एरिया इधर है, फील्ड लाइंस नीचे है। तो ये 4 साइड हैं, इसको 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। नंबरिंग ज़रा दोबारा कर देते हैं, तो हमने उधर लिख दिया। तो ये साइड 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है जी। कॉस 90 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, तो इधर कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, तो इधर बचेगा ई ए 1 प्लस, इधर आ जाएगा 0 प्लस, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ई ए प्लस 0। तो ओवरऑल आंसर बचेगा ई ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। लेकिन आपको कहा सर इस जगह तो माइनस ई ए नहीं था, मैंने कहा हाँ यार इधर तो माइनस ई ए आना था, लेकिन आप गौर करें जो साइड 3 है इधर बेशक एंगल 180 बन रहा है, इसका एरिया ऊपर है, फील्ड लाइंस नीचे, लेकिन आप खुद भी तो देखें कि इधर फील्ड लाइंस भी तो नहीं है, इधर फील्ड लाइंस भी तो नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो इस जगह से शुरू होने ना, क्योंकि जो साइड स्टार्ट ले रही है सिर्फ उधर से फील्ड लाइन, लेकिन बॉक्स हमारा आधा अंदर घुसा हुआ उस प्लेट के अंदर, क्योंकि इसने चार्ज को भी तो इनक्लोज करना है जहाँ पर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो चार्ज तो इनक्लोज हो गया लेकिन फील्ड ऊपर की तरफ नहीं है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सारे का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, ई ए
5T, समझ आ गया। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या है, गॉज़ेस ला। यहाँ पर हमें इमेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम्स जो हैं। तो अब मैं इसको इरेज करके स्टेप टू की वैल्यू को लिख देता हूँ। स्टेप टू के मुताबिक हमारा जो फ्लक्स है टोटल, वो किसके बराबर आ गया है जी, ये क्या। अब मैं जाता हूँ अपने स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री ने मुझे कहा सर अब गॉज़ेस लॉ को ज़रा अप्लाई करना है। तो मुझे पता है गॉज़ेस लॉ उसके मुताबिक जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। तो मैंने कहा यार वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो उनके दरम्यान में फाइंड करनी है, और मैंने अपनी आसानी के लिए तो प्लेटें तो लामहदूद कर दी। अब मैं लामहदूद प्लेटों का चार्ज कैसे कैलकुलेट करूँ। उसने कहा सर घबराइए ना, प्लेट आपकी इस तरह ही होगी, टू डायमेंशन यानी कि एरिया होगा उसका, लंबाई इधर चढ़ाई। मैंने कहा होगा। कहते सर उसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया था पिछले टॉपिक में, वो टॉपिक इधर मैं पिन कर रहा हूँ आप देख लेना, वो इन्फिनिट शीट वाला। उसके अंदर जुगाड़ क्या लगाया था, उसके अंदर मैंने एक नई टर्म जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, शायद आप लोगों को याद आ गया हो। उसके मुताबिक जो सिग्मा है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है कि कितना चार्ज है कितने एरिए पे। अब कितना चार्ज कितने एरिए पे है, अब चूंकि मैंने जो क्यूब लिया है मैंने सिर्फ उसके उतने हिस्से का ही एरिया लिया, तो इधर मैं क्या करूँगा सिर्फ उतने हिस्से का एरिया ले लूँगा। तो यहाँ से जो क्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा है के। क्यों, उसने कहा सर क्यू उतने एरिए के अंदर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए जो होगा वो क्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, फाई टी इज इक्वल टू क्या देगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसने कहा जी सर। अब स्टेप फोर, स्टेप फोर था कंपेयर करने वाला, अब आप कंपेयर कर लें। तो यहाँ से ई ए इज इक्वल टू, ये भी फ्लक्स के बराबर है और फ्लक्स फ्लक्स दोनों इक्वल है, तो यहाँ से फ्लक्स किसके बराबर है, सिग्मा ए के ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल, देन ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसने कहा सर ये तो मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा यार मैग्नीट्यूड है वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर है। याद रखें जो जो प्लेट्स हैं उसकी सेंस में फील्ड इंटेंसिटी है इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इन्फिनिट शीट में क्या थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर साथ एक छोटा सा टू लिखा हुआ था, टू यानी कि एक टू यानी कि सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट इस सेंस में लिखी हुई थी वो। अच्छा ये सिग्मा क्या इंडिकेट कर रहा है, सिग्मा बता रहा है कि कितना चार्ज है कितने एरिया पे। इट मीन्स कि मैं आपके सामने कैपेसिटर बना रहा हूँ, यानी कि दो प्लेट्स मेटालिक प्लेट्स बना रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा कहता है सर इधर 5 कूलम है इधर 5 कूलम है, कि मैंने कहा कितने एरिया पे, उसने कहा सर 1 मीटर स्क्वायर पे 1 मीटर स्क्वायर पे। तो आप देखो एरिया 1 मीटर स्क्वायर आ गया, चार्ज 5, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। एक बंदा कहता है सर कैपेसिटर यही है सारा कुछ यही है, लेकिन मैंने चार्ज ज़रा ज़्यादा कर दिया, तो चार्ज ज़्यादा कर दिया। मैंने कहा कितना, उसने कहा सर 10 कूलम चार्ज हो गया, तो जाहिर सी बात है 10 इधर होगा तो 10 इधर होगा, ये क्यों दोनों साइडों पर बराबर क्यों होगा, ये कैपेसिटर के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा हमें। 10 इधर है तो इसका मतलब है कि 10/1 मीटर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 10, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब हमें पता है कि चार्ज ज़्यादा होने से फील्ड ज़्यादा होती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर फील्ड ज़्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है ये इक्वेशन परफेक्टली करेक्ट है और सही आंसर देगी। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछें। ओके जी।